नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम NCERT ज्योग्राफी कक्षा 8 के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव संसाधन। और इस चैप्टर पे आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है, और आज हमारा ये जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हमने अपने दो पार्टों में जाना कि किस तरह से भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय का गठन किया गया 1985 में, और इसमें लोगों के कौशल को बढ़ाने का कार्य किया गया था। फिर हमने जाना जनसंख्या वितरण के बारे में कि किस तरह पर एक स्थान पर लोगों का जो जनसंख्या है वो काफ़ी सघन है और वही किसी स्थान पर विरल है। फिर हमने जाना कि किस तरह से भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वही संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वह 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो पृथ्वी पृष्ठ के एक तिहाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। अब इस कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है उसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो इसके जो कारक है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक। और भौगोलिक कारक में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। देखिए, फिर हमने जाना जन्म दर के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, इसे जन्म दर कहा गया है। और मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। फिर हमने जाना अप्रवास उत्प्रवास के बारे में। तो अप्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो इस तरह से हमने अपने दो पार्टों में इन सभी के बारे में काफ़ी विस्तार से जाना। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है जनसंख्या संगठन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी देश की जो जनसंख्या है कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश का उदाहरण दिया गया है, जापान कह सकते हैं कि जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जो जापान है और बांग्लादेश के आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जो बांग्लादेश है ना, वो अति सघन है, लेकिन जापान जो है वो बांग्लादेश से आर्थिक रूप में काफ़ी मजबूत है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी कर सकते हैं यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री है, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। तो एक देश के जनसंख्या संगठन का जो अध्ययन है उसको करने के लिए एक जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। अब एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, चलिए हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर तीन देशों के माध्यम से आपको इसे बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे कि 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। दूसरा है कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियाँ उप विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का जो आकार है वह विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी को बताता है। यहाँ पर बच्चे भी आपस में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर केनिया का पिरामिड बताया गया है। और कह सकते हैं कि ऊपर का आकार
वृद्ध लोगों जैसे कि 65 से अधिक की संख्या को दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड जो है वो एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी दिखाता है, बताता है। युवा जो आश्रित लोग हैं जैसे कि 15 वर्ष से कम आयु के, या फिर जो वृद्ध आश्रित लोग हैं जैसे कि 65 से अधिक आयु के, आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत ये आते हैं। अब जो काम करते हैं, कार्यरत जो आयु वर्ग के हैं जैसे कि 15 से 65 के लोगों को भी आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में दिखाया गया है। मतलब एक तरह से आपको ये बता रहा है कि पिरामिड आपको क्या बताता है, क्या दिखाता है। अब देखिए, एक देश का जनसंख्या पिरामिड, उसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा है। और ऐसा इसलिए है कि बहुत से जो बच्चे हैं जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से जो अधिकतर है उनकी मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं बच्चे। इसलिए वहाँ वृद्धि कर सकते हैं कि वृद्ध जो लोग हैं वो बहुत कम है। और ये जो आपको बता रहा है वो केन्या के पिरामिड में ही आपको दर्शाया गया है। अब देखिए, भारत का पिरामिड है तो जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चे कम है, और जहाँ युवा वर्ग का जो पिरामिड है वो चौड़ा हो, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, और यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। मतलब भारत के पिरामिड में यह आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जनसंख्या में जो युवा है सापेक्षता अधिक है, और इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। देखिए, कम जन्म दर वाला जो जापान है, अब नेक्स्ट हम जापान के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जन्म दर कह सकते हैं कि कम है, और जापान जैसे देशों का जो आधार है वो पिरामिड जो है वो संकरा है। घटी मृत्यु दर यहाँ पर कम है, इसके कारण जो लोग है वो वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं, अधिक लोग कह सकते हैं कि बुढ़ापे तक पहुँच जाते हैं। देखिए, कुशल, उत्साही, आशावादी, संकरात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, और हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से तीन पिरामिडों के द्वारा, भारत, जापान और केन्या के पिरामिड के द्वारा जो जनसंख्या दर है या मृत्यु दर है इसे बताने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 6 है आज पूरी तरह से समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कंप्लीट नोट्स को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहें आपका यूट्यूब चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।